हेलो फ्रेंड, मैं पुष्पा देवांगन, मेरी किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक टेस्टी सा भाजी। ये छत्तीसगढ़ की फेमस भाजी है, तिवरा भाजी। ये भाजी खेत में बोया जाता है, इसकी खेती की जाती है और इसका जो बीज रहता है उसे दाल बनाया जाता है। ये भाजी काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो चलिए आप प्रोसेस देखिए। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तिवरा की भाजी। देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। ये हम लोग मार्केट से लिए हैं और ये भाजी छत्तीसगढ़ की स्पेशल भाजी है। ये तिवरा भाजी है, इसको लकड़ी भाजी भी कहा जाता है। ये खेत में बोया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी और छत्तीसगढ़ में हर किसी के घर में बनता है। और ये ठंड के ही मौसम में आता है, ये सीजन वाली ही भाजी है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको एक बार बना के देखिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और सीजन वाला जैसे सब्जी हो गया, भाजी हो गया, फल हो गया, इसका तो यूज़ हमेशा करना चाहिए। इससे पेट शांत रहता है और आप तो जानते हैं कि भाजी में कितने विटामिन होते हैं। तो देखिए, इसको मैंने वॉश कर लिया है, इसको मैंने तोड़ लिया है। इसमें डंठल रहते हैं, जैसे ये है तो ये टाइट वाला डंठल रहेगा, तो भाजी को इसको अलग कर दिया जाता है और इसको फेंक दिया जाता है। थोड़ा सा इसको भाजी को तोड़ने में प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन मुलायम मुलायम भाजी आप जैसे इसको तोड़ के बनाएंगे तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो चलिए, मैंने इसको वॉश तो कर लिया है, अब इसको कट कर लेते हैं हम लोग। और इसमें मैं डाल रही हूँ चने की दाल और ये 5 से 6 टमाटर है, इसको मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। अब चलिए हम लोग भाजी को कट कर लेते हैं। इसको आप अच्छे से कट कर लीजिए और ये भाजी मुलायम रहेगी तभी अच्छा लगता है और थोड़ा सा रेशेदार जैसा थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो इसका टेस्ट कम हो जाता है और पकने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये रेशेदार आप खाएंगे तो मुंह में लगता है। तो देखिए, इसको ऐसे ही टुकड़े टुकड़े में हम सारी भाजियों को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने लिया है कुकर, अब इसमें सारी भाजियों को हम डाल देंगे। ये एकदम से लेंदी प्रोसेस नहीं है, कम समय में बनने वाला है ये भाजी। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं टमाटर, जितना टमाटर का यूज़ करना है उतना ही डाल देंगे। और ये दाल, दाल ऑप्शन है, आप दाल डाल सकते हैं या फिर बिना दाल के भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। ये मैंने छोटे ग्लास में 1 गिलास पानी लिया है, अब 1/2 गिलास और ले लेती हूँ ये। अब चलिए इसको हम लोग ढक्कन लगा लेते हैं, उसके बाद पकने के लिए रख देते हैं। ये हम लोग 4 से 5 सीटी लगा देंगे इसको। चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम लोग कि हमारी भाजी अच्छे से पक गई है। देखिए, ये मैं हाथ से इसको मैश कर रही हूँ। इसमें पानी है, पानी हम लोग थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ऑयल। ढक देते हैं, देखिए फ्रेंड, ये तिवरा की भाजी में मैं ले रही हूँ ये सूखा मिर्ची और लहसुन, ये मैं कट कर ली हूँ इसको। और ये है एक बैंगन, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसमें एक बैंगन या फिर आप बैंगन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। देखते हैं, हम तेल अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए, अब हम लोग इसमें मिर्ची और लहसुन डाल देते हैं। ये हम बघार जो कर रहे हैं, ये जो बघार है, ये जो पड़ता है भाजी पे, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ये हम बैंगन डाल देंगे इसमें।
मैं अभी नमक और हल्दी डाल दी हूँ। इसमें और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इतना ही फ्राई करना है जितना ये अच्छे से गल जाए। और वैसे भी बैगन बहुत जल्दी से गल जाता है, तो इसको पका के हम लोग 2 मिनट और देते हैं पकाने के लिए। और देखिए ये जो पानी है जो मैं निकाली हूँ, ये वाला पानी इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें आप नमक डाल के पी भी सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी और हेल्पफुल है। आप चाहे बैगन को भून के डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही जैसे मैंने पकाया है कुकर में वैसे ही पका सकते हैं। डाल देते हैं इसको पकाने के लिए, हल्का सा पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें पानी रहता है। और जो मैंने पानी छान के निकाला था उसको थोड़ा सा डाल दी हूँ इसमें, आप चाहे तो इसको अलग से भी पानी डाल सकते हैं, मैं उसे डाल के पका रही हूँ। अब चलिए इसको 3 से 4 मिनट पकने देते हैं, फिर हमारा ये तिवरा का भाजी रेडी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, ये हमारी तिवरा की भाजी बनके रेडी हो गई है। देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी सा। ये काफी अच्छे से बन गई है, अब हम लोग बंद कर देते हैं, ढक के छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारी तिवरा की भाजी बनके रेडी हो गई है, काफ़ी टेस्टी और यमी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप अपने किचन में जाइए और अभी सीजन वाली ये भाजी बना के देखिए, काफ़ी टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि मेरी रेसिपी कैसी है। थैंक यू।